अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं हाजी किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ओखा में है। ओखा काठियावाड़ में आता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं दरगाह पर, और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप ऐसे ही दरगाहों की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम दरगाह की और भी वीडियो बनाएं तो आप उन दरगाहों की ज़ियारत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ ओखा में। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाजिरी होने वाली है। और जिनके बारगाह में मेरी हाजिरी होने वाली है उनका नाम है हज़रत हाजी किरमानी रहमतुल्लाह अलैह। तो हम चलते हैं और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते रहिए, और चलिए मिलते हैं दरगाह में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत है, इसमें जाना है, शेयरिंग बोट है, इसमें जाना है। तो चलते हैं दरगाह पर और जो भी मुझे जानकारी मिलती है मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं दरगाह पर। जब चाहे जिसे चाहे उसे परवारवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे परवारवा कर दे। अभी प्यार कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे, और जहां में उनकी चलती है जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है तो जो चाहे अता कर दे, नबी से जो दोस्तों उस पार से इस पार हम पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं दरगाह पर और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दरगाह पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी वीडियो और भी लोग देख सके, और सरकार की ज़्यारत करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। तो देखिए यहाँ का इतना प्यारा नज़ारा, कितना माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। अभी तो यहाँ से थोड़ी दूर है, मतलब
तक के लिए इंशाल्लाह आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए। तो फैसला कर दे वो यूं ही आजमाते अब तो फैसला कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सों दुआ कर दे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर मुझे क्या फिक्र हो काबिल मेरे यावर है वो यावर बना हो को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे बला वो को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को सो दुहा कर दे गमों की धूप में वो साया में ज़ुल्फ़े तुदा कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम उस पार से इस पार तो पहुंच चुके हैं और सरकार की बारगाह में भी पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं दरगाह में। हज़रत का नाम हज़रत सैयद हाजी दाऊद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह है, सरकार का पूरा नाम है ये। तो चलते हैं दरगाह में और ज़ियारत करते हैं। दोस्तों सरकार की करामत के बारे में आपको क्या बताऊँ, सरकार खुद एक वली है, ये करामत है दोस्तों। और सरकार की बहुत सी करामत भी है दोस्तों, उनमें से एक करामत ये है दोस्तों कि हज़रत ने अपनी हयाती में 17 से 18 हज चल कर किए हैं। हज़रत मतलब आप जब हयात थे तो आपने 17 से 18 चल कर किए, इतना बड़ा मुकाम है सरकार का दोस्तों। सरकार को हाजी किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा जाता है कि आप जो थे किरमान शहर के रहने वाले थे, तो आप किरमान से जब चलकर यहां से इंडिया होकर गुज़रते थे तो आपको ये जगह पसंद आई थी, इसलिए आप यहां पर बस गए और यहीं पर इस्लाम फैलाया सरकार ने। और सरकार की बहुत सी करामत भी है, उनमें से एक करामत तो आप जानते ही, आपने जो थंबनेल और टाइटल पढ़ा, 1800 की सन की बात है दोस्तों, जब यहाँ पर दरगाह मौजूद थी, जब यहाँ पर आजू बाजू बहुत से लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे और उन लोगों पर अंग्रेज़ों का हमला हुआ था। जब सरकार की बारगाह में वो सब लोग आ गए और सरकार से माफ़ी मांगी और सरकार के पास आ गए इसलिए कि उनका बचाव हो जाए, तो उन लोगों ने प्लेन में से दोस्तों तकरीबन 200 से 250 बम फेंके थे दरगाह की तरफ, जो कि एक भी बम यहां पर नहीं फटा। तो दोस्तों यही थी सरकार की सबसे बड़ी करामत, जो कि 200 से 250 बम अंग्रेज़ों ने प्लेन में से फेंके और एक भी बम यहां पर नहीं फटा और जितने भी बम थे सब लोखंड में कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं आपको वो वाला गोला बताता हूँ दोस्तों जो कि ज़ायरीन में अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों इस तरीके से लोग आते हैं और इस तरीके से ये पूरा गोला उठाते हैं। दोस्तों यकीन कीजिए मैंने खुद ने भी ये गोला उठाया था, वाकई में ये बहुत ही वजन है इसमें, बहुत ही भारी है ये। तो इस तरीके से लोग आते हैं, सवाली बहुत से सवाली आते हैं, कोई अपने सर पर उठाता है तो कोई हाथ से उठाता है, इस तरीके से इस गोले को लोग उठाते हैं और सरकार से दुआ करते हैं तो उनकी जो भी मतलब जायज़ तमन्ना रहती है, दुआ रहती है, वो सब कबूल हो जाती है। तो ये है वो बॉम था दोस्तों, ये जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बॉम था जो कि सरकार ने मतलब अपनी करामत से इसे कन्वर्ट कर दिया लोखंड में। तो आप देख सकते हैं ज़ायरीन में अभी भी ये पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सरकार की ज़ियारत करके अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ की तो बहुत सारी करामतें हैं जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो आप और भी ज़्यादा जानकारी यहाँ की लेना चाहते हैं तो यहाँ के खादिम से कॉन्टेक्ट करें, आप जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ के खादिम से मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सरकार की ज़ियारत करके अच्छा लगा होगा। दोस्तों इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।